आप देख रहे हैं सर्कल ऐप, मैं हूं सुखदेव सिंह राजपुरोहित। देखेंगे दिन भर की पांच बड़ी खबरें। किसानों ने किया चुनाव का बहिष्कार। सांचौर के मेगावा में सदरा, डेढ़ माह से किसानों का धरना अभी भी जारी है। किसानों की मांग है कि नर्मदा हमारे खेतों के बीच होकर गुजर रही है, मगर हमें सिंचाई के लिए बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसानों का पिछले डेढ़ माह से धरना जारी है, मगर कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में किसानों ने सरपंच चुनाव का बहिष्कार किया है। प्रशासन ने की कार्रवाई। बीसीएमओ रघुनंदन बिश्नोई ने सायला क्षेत्र में बैठे नीम हकीमों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आलासन, शलफाड़ा व रेवतरा में कार्रवाई की। वह नीम हकीम सूचना पर भाग गए व भूमिगत हो गए। वहीं प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को सस्पेंड किया है। वहीं बीसीएमओ रघुनंदन बिश्नोई ने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बागोड़ा पुलिस ने सादा देसी शराब के 51 पेवे किए बरामद। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बागोड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 51 देसी शराब के पावे बरामद कर आरोपी प्रवीण भील निवासी सेवड़ी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पंचायती राज चुनाव को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। रानीवाड़ा में पंचायती राज चुनाव को लेकर पुलिस ने थानाधिकारी मिठूलाल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया व मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। इस दौरान फ्लैग मार्च कस्बे के विभिन्न गलियों में होते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया व मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील करते हुए असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की बात कही। रामानंदाचार्य जयंती पर निकाला भव्य वरघोड़ा। रेवतरा कस्बे में रामानंदाचार्य की 720वीं जयंती पर भव्य वरघोड़ा निकाला गया। वरघोड़ा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः आम छोटे पर पहुंचकर विसर्जन हुआ। इस दौरान वैष्णव समाज के कई बंधु मौजूद रहे व युवाओं ने कार्यक्रम में व्यवस्था संभाली। सुखदेव सिंह राजपुरोहित, सर्कल ऐप जालौर। अन्य ताजा खबरों के लिए सर्कल ऐप पर मुझे सुखदेव सिंह राजपुरोहित को फॉलो जरूर करें।